ये हैं शशि चंद्र देसाई। बढ़ती उम्र इनके लिए कोई बाधक नहीं, 85 पार कर चुके हैं शशि चंद्र देसाई। मॉरिशस के नागरिक हैं लेकिन भारत में सनातन को जगाने की जिद ठाने बैठे हैं। इनकी पीड़ा है कि हिंदू सो रहे हैं, इन्हें जगाने की जरूरत है। मेरा नाम सर चंद्र है, थोड़ा बच्चे हुए मुझे शॉर्ट लेंग हुआ था, गाँव में छोटे गाँव में रहता था, लेकिन 12 साल की उम्र में मैं मॉरिशस गया था। वहाँ से भी मॉरिशस इंडिया आया था प्राइक में, और मैं इंजीनियर हुआ था बीच के लाइन से, और फिर वापस मॉरिशस गया, और वहाँ मैंने 15 साल बाद काम किया। उसके बाद अफ्रीकन जगहों में काम किया चंद्रा फॉर में भी, और 20 साल से मैं हिंदुज्म पे काम कर रहा हूँ। इसलिए कि हिंदू लोग सो रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हो रही है मैंने देखा कि हमारे कल्चर के हिंदुज़म किताब नहीं पढ़ते हिंदू, हमें बच्चों को सिखाते ही नहीं है हिंदुज़म क्या है, तो इसलिए काफ़ी कन्वर्जन बहुत हुआ है। तो मॉरिशस में भी वहाँ भी मेजोरिटी हिंदू है, ये ज़माने में तो 20 साल में मैं क्या करूँ, तब पता लगा 500 बच्चे ने कई किताब लिखी है, तो मैंने उसका टीचर में गया था मिलने के लिए, तब से मैं उसका फैन हो गया हूँ। और मेरे फ्रेंड थे मॉरिशस में डॉक्टर गणेशी मैं हमसाबिन गणेशी, सो ही हैज लेफ्ट फंड्स फॉर डूइंग एक्टिविटीज अराउंड हिंदुइज्म, तो उसके लिए मैंने 1 मिलियन मास्टर दिया था, और इसका इंटीग्रेशन हो रहा है आज। हिंदुओं को जगाने की इनकी चिंता सिर्फ चिंतन में नहीं है, दिन रात एक कर कुछ कर गुजरने की जिद और जुनून है, वो भी उस उम्र में जब लोग अक्सर बिस्तर पकड़ लेते हैं, दवाइयों के सहारे जीते हैं। लेकिन शशि देसाई को इसके लिए बस आमजन के सहयोग की जरूरत है, हिंदुओं को जगने की जरूरत है, बस यही चाह है। नमस्ते, मेरा नाम शशि चंद्र देसाई है। मेरी पैदाइश तंजानिया दारेसलाम में हुई थी, और मेरी अब उम्र 85 ईयर्स है, 85 साल, और मेरी पढ़ाई थोड़ी इंडिया भारत में भी हुई थी, नवसारी विच इज़ पार्ट ऑफ सूरत डिस्ट्रिक्ट, और छोटा गांव था संदलपुर। लेकिन 12 साल की उम्र में मैं मॉरिशस गया था, वहां से 18 साल तक वहां से पढ़ाई की। उसके बाद मुझे पिलानी में इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, और मेरे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री मुझे मिली। लेकिन जब मैं पढ़ाई करता था उस वक्त मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू जी, डॉक्टर राधा कृष्ण सबसे मुलाकात का चांस मिला था, तब से मुझे नेहरू डायनेस्टी के ऊपर काफ़ी किताबें पढ़ी थी, और मुझे बिल्कुल नेहरू डायनेस्टी पसंद नहीं आई थी। लेकिन जब मैं बड़ौदा में रेशल राइट्स हुए थे 2002 में, जो साबरमती एक्सप्रेस को जला गया था, तो मैंने उस वक्त बड़ौदा में ही था, और पूरा मैंने चुक हुआ था, हिस्ट्री मुझे पूरे मालूम है। लेकिन मीडिया ने ये स्टोरी 20 साल तक घुमाते रहते, अभी तक घुमाते रहते हैं मोदी जी को, लेकिन अभी BBC ने वीडियो जो आया है उसमें भी उसको बात करते हैं, लेकिन मोदी जी का कोई भी उसका उन्होंने राइट्स करवाए नहीं थे, राइट्स तो वो ऑटोमेटिक हो गए थे। मैं बड़ौदा में था, वहाँ भी ऑटोमेटिक राइट्स हो गए थे। तब से मैंने देखा कि भारत में मीडिया इज़ आंटी हिंदू, हिंदू के विरुद्ध लिखती रहती है, अभी भी लिखती रहती है। तब से मैंने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने एक किताब लिखने का शुरू किया, राइज एंड फॉल ऑफ नेहरू डायनेस्टी। एंड मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि 2014 में होगा, और वो हुआ भी, 2014 में मोदी जी आ गए। लेकिन ये जो कितने साल बीत गए, तो मैंने देखा कि कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो इतिहास पढ़ाते हैं वो कम्प्लीटली फेक हिस्ट्री है। तो मैं कई सालों से कह रहा था कि सच हिस्ट्री बताएं, आर्यन यूनिवर्सिटी तक हुआ ही नहीं था, तब भी अभी तक बच्चे पढ़ते हैं आर्यन यूनिवर्सिटी। रियलिटी में क्या हुआ कि हम लोग ग्रीस में गए थे, और ग्रीस में इंडियंस हैड कॉलोनाइज, और वो किताब मिलती है, लेकिन वो कभी यूनिवर्सिटी में मिलेगी भी नहीं वो किताब। तो मैंने एक डजन किताब की ऑर्डर की थी, और MS यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट दिया था सबको, लेकिन ये तक चल रहा था। लेकिन 2 साल से कुछ चेंज हुआ रहे थे वहाँ पर MS यूनिवर्सिटी में। अभी क्या हुआ कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो हेड है, उसने अभी नए 2 कोर्सेज शुरू किए, BA ऑनर्स एंड MA ऑनर्स हिंदू स्टडीज़। तो अब मैं देख रहा हूँ कि हिंदुइज्म इज गेटिंग रिवाइव नाउ। लेकिन मैंने 10 साल तक कोशिश की MS यूनिवर्सिटी में कि हिस्ट्री पढ़ाओ सच, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन अब चेंज धीरे धीरे चेंज हो रहा है।
थोड़े दिन के बाद पहले मैं रोहतक यूनिवर्सिटी भी गया था, वहाँ भी हिंदू स्टडीज़ के कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो क्या हुआ था कि जब नेहरू डायनेसी तो उन्होंने सब कोर्स जो हिंदू थे उनके सब बंद करवा दिए थे और टेम्पल्स के मंदिर के भी कंट्रोल ले लिए थे उन्होंने। तो ये हम लोग अभी तक चुप हैं, क्यों अभी तक गवर्नमेंट के पास वहाँ हिंदू टेम्पल्स कंट्रोल है, मस्जिद क्यों नहीं लेती, चर्च क्यों नहीं लेती, और हमारे पैसे से दूसरे धर्म को पैसे देते हैं, ये तो अन्याय हुआ ना पूरा। लेकिन हिंदू लोग सो रहे, क्या करें। इतनी उम्र में आपकी जो ये जज्बा है वो कहाँ से आता है आपको? क्या मुझे तो ये है कि हिंदू धर्म इतना पुराना इतना अच्छा है, वो यूरोपियन लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन हमारे लोग तो जानते भी नहीं पूरा, 10% भी नहीं जानते हमारा धर्म, ये तो बात है ना। कि क्योंकि सिखाते नहीं है, माँ बाप को पता नहीं तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, स्कूल में तो सब पढ़ाते नहीं तो कहाँ पढ़ेंगे। एक ही दो इंस्टीट्यूट मैंने काफ़ी घुमा हूँ, अफ्रीका में भी गया, इधर गया, फॉरेन में गया, तो मैंने देखा कि चिन्मय मिशन अच्छा काम कर रही है। अभी चिन्मय मिशन भगवद गीता को सचमुच सिखाती है और अमेरिका में भी बहुत काम करती है चिन्मय मिशन, और लोग तो ठीक है ऐसे ही। आपको क्यों लगता है कि जरूरी ये सब किया जाना चाहिए हिंदू धर्म के लिए, क्यों जरूरी लगता है? क्योंकि हमारी जो संस्कृति हम भूल गए हैं, तो वापिस लाना पड़ेगा। एक ज़माने में देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है जापानीज, वो 10 साल से मेरी खत लिखती है, उसने कहा कि 85% गॉड्स जो है जापानीज दे आर हिंदू गॉड्स। इसका मतलब हमारा धर्म कहाँ तक पहुँचा था, जापान से और उधर साउथ अमेरिका तक पहुँचा गया, लेकिन अभी कोई रिसर्च भी नहीं करे। इतने हिंदी के हिस्ट्री के डिपार्टमेंट है, कम से कम इंडिया में 200 यूनिवर्सिटी होगी, हर एक में हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, कोई रिसर्च ही नहीं करता है, क्यों नहीं करते? शशि चंद्र देसाई ने कई मैगजीन निकाली ताकि मॉरिशस और हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में हिंदुओं को प्रेरित किया जा सके, उन्हें उनके सच्चे इतिहास से अवगत कराया जा सके। मैं मॉरिशस में करीब एक साल से मैगजीन निकाल रहा हूँ हर महीने, और हर महीने में एक मंदिर का आर्टिकल होता है। मंदिर मॉरिशस में तो बहुत मंदिर है, और वैसे बीच में मैं रेयूनियन आइलैंड गया था, वहाँ का भी मंदिर का डिस्क्रिप्शन हुआ। ये किसी है ये उसमें शिवाजी का मेन आर्टिकल है, शिवाजी ने कैसे हिंदू धर्म को बचाया था मुगल के सामने से। और दूसरा एक किताब निकली है साई दीपक की, तो उसके ऊपर आर्टिकल लिखा है अनफिनिश्ड कॉलोनियल एजेंडा, तो साई दीपक की किताब के ऊपर से लिखा हुआ है आर्टिकल। इसकी किताब का रिव्यू है इंडिया भारत एंड पाकिस्तान। मुझे अच्छा हो रहा है कि साई दीपक को मॉरिशस में लोग जानते हैं लेकिन भारत में कम लोग जानते हैं। कई भी हैदराबाद, वो हैदराबाद के हैं लेकिन हैदराबाद के कई स्टूडेंट से मैं मिला था, किसी ने नाम ही नहीं सुना था उनका। ये दूसरा नंबर है, इसमें आदि शंकराचार्य के ऊपर है, जिन्होंने भी हिंदुज़म रिवाइव किया था। तो हमारे के लिए आदि शंकराचार्य और शिवाजी दो जो है उन्होंने रिवाइव किया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, स्कूलों में तो सिखाते नहीं है, मंदिरों में सिखाते नहीं है, गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले लिया है, तो यहाँ हिंदुज़म सिखाना चाहिए। इसलिए मैं मेरी ये उम्र तो हिंदू को जगा रहा हूँ कि जागो भाई, तुम्हारा धर्म तो सीखो कम से कम, नॉलेज ऑफ हिंदूज। ये जो है ना आर्टिकल फ्रांसवा गुचे किताब के ऊपर लिखा हुआ है, जिसका जो शिवाजी म्यूजियम देखा, द नॉलेज ऑफ हिंदूज इन डिफेंस ऑफ ए बिलियन हिंदूज, फ्रांसवा गुचे ने किताब लिखी हुई है, उसमें लिखा है कि हिंदूज के दुश्मन कौन है। तो वो स्टार्ट करता है कि खान ब्रदर्स, नेहरू डायनेस्टी, सोनिया, पोप, ऑल, वो क्रिश्चियन है फिर भी उसने इंडिया में आके देखा और लिखा किताब में 50 एनिमीज ऑफ हिंदी। तो हमारे दुश्मन कौन, तो जाना चाहिए ना, वो भी नहीं जानते लोग, क्या करें। और मैं क्यों इसलिए मेरी उम्र में भारत आता तो मैसेज करूं कि हिंदू लोग सो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिसने हिंदुज़म को डिस्ट्रॉय किया आप उसको वोट ही देते। तो मैं सबको जगा रहा हूं कि भाई तुम्हारे दुश्मन को क्यों वोट दे रहे हो तुम, आप पार्टी भी वैसे ही आंटी हिंदू है तो आप उसको वोट क्यों देते। मैं तो उसको मौलाना कहता हूँ, केजरीवाल को, तो मौलाना केजरीवाल, वो हिंदू पुलिस को तनख्वाह नहीं देते, मौलाना को देते हैं क्यों भाई, हमारे पैसे दूसरे को दिखाते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, आप हिंदुज़म को डिस्ट्रॉय करें और इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान तो दे दिया था इस्लाम के लिए, तो फिर भाई यहाँ क्यों उनके लिए पैसे रखने चाहिए। एक आर्टिकल योगी जी के ऊपर है, मेरे ख्याल से भारत में आज का वही जो चीफ मिनिस्टर है बेस्ट, इट इज़ योगी जी, उसने यूपी को एकदम सफा कर दिया, गुंडों से क्राइम कम हो गए और
डेवलपमेंट भी बहुत इकोनॉमिक फास्ट हो रहा है। कोई चीज जो होती थी वो कम से कम 60% कम हो गई है। रेप के केस होते थे वो 45% कम हो गए। 19% मर्डर जो होते हैं वो भी बहुत कम हो गए। और इंफ्रास्ट्रक्चर उसने जो बनाया, पुलिस स्टेशन कम से कम 60 नए पुलिस स्टेशन बनाए उन्होंने, तो उन्होंने बहुत कुछ काम किया। आज कोई कोई कंप्लेन नहीं आती यूपी में, शांति है यूपी में। नहीं तो बिहार में देखो अभी चल रहा है सब। कोई भी काम बिना आर्थिक सहयोग के नहीं होता, शशि जी को इसकी चिंता लगी रहती है। वे इसके लिए मॉरिशस के गायनोकोलॉजिस्ट स्वर्गीय हंसाबेन गणेशी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हिंदुओं को जगाने और सनातन के सच्चे इतिहास से दुनिया को परिचित कराने के लिए एक बड़ा सहयोग किया है। ऐसे ही सनातन के प्रति समर्पित लोगों ने भारत में हिंदुओं को जगाने को ठान रखा है, और इन जुनूनी लोगों ने पुणे में छत्रपति शिवाजी म्यूजियम बना डाला। इस म्यूजियम के माध्यम से शशिचंद्र देसाई अपने फ्रांसीसी पत्रकार साथी फ्रांसवा गोटियार के साथ मिलकर सनातन को जगाने के जुनून में लगे हुए हैं। इस म्यूजियम के माध्यम से नई पीढ़ी को वो नई दिशा देना चाहते हैं, उन्हें नए तरीके से जगाना चाहते हैं, ताकि वो अपने इतिहास को समझ और जान सकें, उस पर गर्व कर सकें।